सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया। जिज्ञासा यह आई है, योगी जी पाकिस्तान को भारत में मिलने का निमंत्रण दे रहे हैं, आरएसएस भी अखंड भारत की बात कर रहा है, भाजपा भी पीओके को मिलाने की बात कर रही है, यह कितना उचित है? क्या यह खतरनाक है? यह प्रश्न जो है अभी बहुत ही ज्यादा जोरों से उठाया जा रहा है, ये चर्चा बहुत आम हो गई है और कई लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, कई की पॉलिसी है। तो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी, स्पष्ट पॉलिसी है कि पीओके को भारत में मिला लेंगे। इसके अपने कुछ राजनीतिक फायदे भी हो सकते हैं कि पाकिस्तान को बाईपास करते हुए जो है अफगानिस्तान से कनेक्शन और उसके बाद सेंट्रल एशिया से कनेक्शन हो जाएगा, और चीन का जो हस्तक्षेप है, चीन की जो घेराबंदी है भारत को, तो वह भी रुक जाएगी। और चीन जो है व्यापार करना चाह रहा है पूरे यूरोप से और एशिया से, और उसके वाया पीओके के जरिए, तो वह भी रुक जाएगा। तो इसके कुछ राजनीतिक फायदे तो हैं। और जो अखंड भारत की जो बात पूछी है कि योगी जी कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी और बीजेपी के बहुत सारे नेता कह रहे हैं, अमित शाह जी भी कह रहे हैं और भी लोग कह रहे हैं, मोदी जी ने भी कहा है, तो बीजेपी का एक स्टैंड यह क्लियर है, यूके को भारत में मिलाना है, आरएसएस का स्टैंड भी क्लियर है और वे अखंड भारत की बात करते हैं। परंतु ये जो अखंड भारत बनेगा, ये अखंड भारत कितने, ये भी कह रहे हैं कि जो है हम लोग की जो डीएनए है वो लगभग एक है। डीएनए की भी बात चलाई थी आरएसएस ने। तो डीएनए तो लगभग एक जैसे हैं, लेकिन इससे जो है अगर हम मिला लेते हैं तो भारत, वे तो मिलना ही चाह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि वे मिलना नहीं चाह रहे हैं, वे मिलना चाह रहे हैं। पहले तो वे अलग हुए थे और अलग हुए थे कि मुस्लिम देश बनाएंगे, तो उन्होंने बना भी लिया, तो मुस्लिम देश बन गया, फिर मुस्लिम देश विभाजित भी हो गया, भारत ने टुकड़े कर दिए, तो उधर पाकिस्तान बन गया, इधर बांग्लादेश बन गया, लेकिन हमने उसको राजनीतिक रूप से विभाजित किया था, परंतु हमने सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से विभाजन करने में सफलता नहीं पाई। वे अभी भी एक है। बांग्लादेश में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहां जो है जिहादी ग्रुप हावी है, पाकिस्तान में जिहादी ग्रुप हावी है, ये दोनों मिले ही हुए हैं, पूरे इंटरनेशनल स्तर पर मुस्लिम मिले हुए हैं। अब उनको जो अखंड भारत की बात है, तो कुछ जो है ब्रिटेन में नारे भी लगाए गए कि भारत के राष्ट्रगान तक गा दिए सब, तो अब आखिर ऐसा वे क्यों कर रहे हैं? उन्होंने फिर रीथिंक किया है। पहले उनकी योजना ऐसी थी कि इधर से आक्रमण करेंगे, उधर से आक्रमण करेंगे, भीतर में, यहाँ भीतर भी कुछ मुस्लिम रहेंगे और हैं ही, तो उनकी मदद से जो है फिर कुछ और हिस्सा का तोड़ लेंगे, इस तरह से क्रमशः तोड़ते तोड़ते इसको ख़त्म कर देंगे, उस भारत को जिसमें कि हिंदू बहुसंख्यक है उसको ख़त्म कर देंगे और इस्लामिक सत्ता हासिल हो जाएगी। इस योजना पर उन्होंने काम किया था, या दोनों तरफ से आक्रमण कर देंगे और भारत को जीत लेंगे और भारत पर शासन करेंगे, इस योजना पर भी काम किया था। परंतु जब वह योजना उतनी सफल नहीं होती थी, तो उन्होंने एक पैंतरा बदल दिया है, एक नया गेम शुरू किया है, और जिसमें कि
ये हिंदू सब फंस ना जाए, ज्यादा डर इसी का है क्योंकि बीजेपी भी अखंड भारत की बात करती है। अब सवाल उठता है कि यह जो अखंड भारत है ये कौन सा है? अब मुस्लिम जो अखंड भारत की बात कर रहे हैं तो आखिर वे क्या करना, वे वास्तव में वो इस्लामी शासन की बात कर रहे हैं, वे अखंड मुस्लिम सत्ता की बात कर रहे हैं, तो वो जो है और गजवाए हिंद की असल में मनसा भीतर रखते हैं, तो उस हिसाब से बात करते हैं। वे कहते हैं कि 1947 के पहले भी तो हम लोग भारतीय ही थे, हम लोग भारत से तो निकले हैं। इस तरह पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है, बांग्लादेश में भी चर्चा होती है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। वो बेदिन अवस्था में, भिखारी की अवस्था में भीख मांगते फिरते हैं पूरी दुनिया में। तो वे सोच रहे हैं कि भारत में जा करके एक तो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर लेंगे, भारत से मिल जाएंगे, तो दूसरी बात है कि मिल जाने पर जो वहां की जो आबादी है मुस्लिमों की, लगभग 25 करोड़ की आबादी, और बांग्लादेश की भी आबादी लगभग, मुस्लिम आबादी लगभग 10-12 करोड़ की, तो वह जब मिल जाएगी, और भारत में जो मुस्लिम हैं उनकी आबादी जो है वह भी लगभग 25 करोड़, तो 25 और 25 50 करोड़, और 10 करोड़60 करोड़, 60 करोड़ की आबादी उनकी हो जा रही है। और इस आबादी में अगर हम ईसाइयों की आबादी जोड़ दें और वामपंथियों की जोड़ दें और देश विरोधियों की जोड़ दें, तो वह आबादी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, वो लगभग 80 करोड़ हो जाएगी। तो वैसी स्थिति में सत्ता तो उनके पास ही चली जाएगी, शासन तो उन्हीं का हो जाएगा, और उनका एक बार शासन हो जाने के बाद बार बार शासन भी उन्हीं का रहेगा। यह नहीं है कि हिंदू कभी बदल पाएंगे उसको अगली बार वोट दे करके, नहीं, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वे तो सदैव एकजुट होकर के वोट देंगे, और वैसी स्थिति में सत्ता सदैव उनके हाथ में रहेगी, और हाथ ही में नहीं रहेगी बल्कि हिंदुओं की आबादी घटती चली जाएगी। जैसे कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी घट गई, वहां जब जब आजाद हुआ था तो लगभग जो है वहां पर हिंदुओं की आबादी तकरीबन 15% के आसपास थी, तो वहां से घट करके भी 1% पहुंच गए। और बांग्लादेश में लगभग 30% थे, और वो घट करके अब जो है 8% पर आ गए। तो इसी तरह से यहाँ की आबादी भी वो घटा देंगे, हिंदुओं को मार काट जबरदस्त मचेगी, छीना झपटी होगी, लूटपाट होगा, हिंदुओं की संपत्ति को लूट लेंगे सब, उनकी नजर उस पर है, और धर्मांतरण भी जबरदस्ती जोर शोर से करेंगे, और इस तरह से सत्ता उनके हाथ चली जाएगी। तो ये पैंतरा, ये योजना उन लोगों ने बना ली है, इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग मिलेंगे। और एक भावनात्मक जो है वो कह रहे हैं कि 47 के पहले भी हम लोग थे, हम लोगों ने ये करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अलग होकर के हम लोग पुनः एक हो जाए, मिलन हो जाए, हम लोग का इस झांसे में नहीं रहना चाहिए। आज 47 के पहले क्यों, आप 500 वर्ष पहले की बात करो, 500 वर्ष पहले के जो आप थे, यदि आप वह हो सकते हैं तो आप मिल सकते हैं, अर्थात आपके पुरखे पूर्वज जो थे वो पहले हिंदू ही थे। 500 वर्ष पहले चले जाइए आप जो है 70-75 वर्ष पीछे क्यों जाना चाह रहे हैं, आप 500 वर्ष पीछे क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? तो 500 वर्ष पीछे अगर चले जाएंगे, यानी घर वापसी यदि आप करेंगे, तो ही आपको मिलाया जाए, यानी अखंड भारत यदि बनाना है तो उन सभी की घर वापसी कराई जाए। इस्लाम को उनको छोड़ना ही पड़ेगा, सनातन धर्म को अपनाना पड़ेगा, तभी वे आ सकते हैं, अन्यथा उनको नहीं। उनको छोटे छोटे टुकड़े में बांट कर तो धीरे छोड़ दीजिए, भिखारियों को मिलाने की जरूरत नहीं है तब तक जब तक कि वे अपना धर्म नहीं छोड़ते, क्योंकि उस धर्म के साथ रहते हुए जीना तो असंभव ही है, और लगातार एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, और फिर बंटवारे की स्थिति जैसी स्थिति हो सकती है, भयंकर गृह युद्ध छिड़ जाएगा। 5-7 वर्ष में ही वे अपना पैतरा तुरंत बदलेंगे, तुरंत जो है गियर बदलेंगे,
और तुरंत जो है शुरू कर देंगे मारपीट, उपद्रव, यहाँ का सारा विकास ठप हो जाएगा। और भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है, हिंदुओं के बल पर जो इतना टैक्स इकट्ठा हो रहा है, जिसे विकास हो रहा है, इतने यहाँ पर जो है सकारात्मक कार्य किए जा रहे हैं, तो बताना ये चाह रहा हूँ कि वहां पर तो वो सुरक्षा की समस्या हिंदुओं के लिए तो आ ही जाएगी अगर ऐसा होगा तो इसलिए वो अगर परिवर्तन कर लेते हैं धर्म का, तो अखंड भारत की योजना बन सकती है। हिंदुओं को मैं समझता हूँ कि अति उत्साह में नहीं आना चाहिए और बहुत बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं और ये ज्यादा अखंड भारत बनाने की तरफ ज्यादा उत्साह से अगर अग्रसर होते हैं, तो कहीं ये अखंड भारत एक तरह से वज्राघात ना कर दे हिंदुओं पर और हिंदुओं का सर्वनाश ना कर दे, क्योंकि फिर यहाँ के बाद हिंदुओं के पास कहीं कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है जाने का, कोई दूसरा राष्ट्र भी नहीं बना सकते। तो इसमें बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाने की जरूरत है। पीओके जो है अभी शुरुआत में लग सकता है कि कुछ राजनीतिक फायदा भारत को दे सकता है, लेकिन अंततः वो एक समस्या ही बन के खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इस्लाम के मामले में सब एक होते हैं। अभी दरिद्री है, भुखमरी है, इस वजह से अभी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ज्यों ही भोजन जुटेगा त्यों ही वे उसी की बात करेंगे। और फिर उधर से पाकिस्तान से हथियार ले लेकर के भारत में उपद्रव फैलाएंगे। तो एक ठीक है छोटा सा पक्ष है कि आप चाइना को कर्टेल कर लेंगे, चाइना को थोड़ा साइड कर देंगे और उधर आपका व्यापार हो जाएगा, लेकिन वह लंबे समय में बहुत घातक ही सिद्ध होने वाला है। हाँ, या तो वे अपना धर्म परिवर्तन कर लें और आ जाएं, या तो वहां की आबादी को हटा दिया जाए और उनको उसके बदले पैसे दे दिए जाए, जमीन के बदले। अगर उनको दिक्कत है, उनको गरीबी सता रही है, परेशान हो रहे हैं, तो जो जमीन ली जाएगी, जो कि चीन को भी रोकेगी, और उधर से एक कनेक्टिंग मतलब एरिया चाहिए आपको जो अफगानिस्तान से कनेक्ट करे, तो सबसे अच्छा यही है कि उसको पैसे दे दिए जाए, वह ठीक रहेगा। क्योंकि आप देख लें कि अगर वह इलाका जुट जाता है, तो आप अफगानिस्तान समझते हैं, अफगानिस्तान आप समझते हैं कि आपका दोस्त है, लेकिन ये गलतफहमी है। वे सिर्फ मुस्लिम के ही दोस्त होते हैं, भाईचारा उनका उन्हीं में होता है। तो वह भी एक समस्या सिर दर्द आ जाएगी जब अफगानिस्तान के साथ आपका बॉर्डर मिलेगा, तो इधर से जो आप पाकिस्तान से जो बचते थे ना, उधर अफगानिस्तान के आतंकवादी घुसने लगेंगे, वह एक नई समस्या फिर खड़ी होगी। इस तरफ भी आदमी का ध्यान जाना चाहिए, अगर इधर ध्यान नहीं जाएगा तो आप फिर फंस जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान से आतंकवादी और तालिबानीकरण जो है वह शुरू हो जाएगा, और ये तालिबानी जो है ये पैसे लेके के कुछ भी करेंगे और इस्लाम के लिए भी कुछ भी करेंगे, और इस्लाम तो उनका पाकिस्तानों से भी खतरनाक इस्लाम है और उनका सबसे ज्यादा कट्टर इस्लाम है, तो वहाँ आप और बुरा फंस जाएंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए और अपने जो जितना कनेक्टिंग लिंक आपको लेना है हमारी समझ में, वह पैसे दे करके इनसे ले लीजिए और वो इलाका खाली करा लीजिए, जितने भर का आपको कॉरिडोर चाहिए, जिससे कि आपका ये दोनों पर्पस सॉल्व हो जाए, अफगानिस्तान से कनेक्शन काटने का और चीन को वहां से काटने का, तो वह ज्यादा उचित होगा। हरिओम।